नगर निगम प्रशासन द्वारा बड़े बकायादारों से वसूली को लेकर कुर्की दल का गठन किया गया है। ऐसे 415 बकायादारों में से 380 लोगों ने बकाया राशि जमा कर दिया है। ऐसे ही जलकर की राशि को लेकर निगम प्रशासन द्वारा सख्त रवैया अपनाया जा रहा है। नगर पालिक निगम भिलाई में संपत्ति कर की राशि जमा करने को लेकर बड़े बकायादारों द्वारा लंबे वक्त से निगम से लगातार नोटिस जारी होने के बावजूद राशि जमा करने उदासीनता बरतते हुए नोटिस को नज़रअंदाज किया जाता रहा है, जिसे देखते हुए संपत्ति कर की वसूली को लेकर निगम प्रशासन द्वारा सभी जोन में कुर्की दल का गठन किया गया, जिसका फायदा भी देखने को मिला है। कुर्की कार्रवाई और शर्मिंदा होने से बचने बड़े बकायेदारों द्वारा अब नगर निगम में राशि जमा कराई जा रही है। कुर्की दल को मौके पर ही भुगतान किया जा रहा है। अभियान की जानकारी नगर पालिक निगम भिलाई के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने दी। जो बड़े बकायेदार हैं, जिन्होंने कई वर्षों से राशि जमा नहीं की है, ऐसे करीब 415 लोग ऐसे बड़े बकायेदार थे जिनकी कुर्की वारंट जारी किया गया था, और उसमें करीब 380 लोगों की राशि वसूल हो गई है, जिन्होंने राशि जमा कर दी है। शेष लोगों पर राशि की वसूली की कार्रवाई जारी है। अगर वो राशि जमा नहीं करेंगे तो उनकी संपत्ति अटैच की जाएगी, और फिर वो नियमानुसार जो है, अगर राशि नहीं जमा करते हैं तो उनकी फिर नीलामी भी उनकी संपत्ति की जा सकेगी। ऐसी जलकर जो वसूली जो लोग नहीं दे रहे हैं, वो भी बड़े बड़े बकायेदार हैं, और ज़्यादा जैसे होटल है, लाज है, उन्होंने मात्र 800 रुपये में पूरा वो ले रहे हैं, जबकि ऐसा नियम है कि 25 कमरे हैं तो उस हिसाब से उनके रेट लगने चाहिए। तो ये भी जांच की जा रही है, और पाया जाएगा कि यदि डिमांड से कम वो राशि जमा कर रहे हैं तो उनकी उन पर अधिभार के साथ वसूली की कार्रवाई करेंगे, और या तो जमा नहीं करेंगे तो उनके नल कनेक्शन को काटेंगे। गौरतलब है कि नगर निगम की आर्थिक रूप से कमर टूट चुकी है। आर्थिक रूप से सक्षम बनने निगम प्रशासन द्वारा लगातार जद्दोजहद की जा रही है। अपर आयुक्त द्वारा संपत्ति कर की वसूली के लिए कुर्की दल को सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।